गुनाह के साथ हमारे बहाने देखिए, रिश्वत यार ये तो तोहफा है, मौसीकी और कोई नहीं यार ये तो रूह की गजा है, अच्छा लगता है सुनकर। बदनजरी एक बार देखना हलाल है यार, ये बात करके कहते हैं मैं इसके मुंह पे भी ये बात कह सकता हूँ। सूद यार ये तो सारी दुनिया खाती है, बेहूदा ड्रामा फिल्म देखने और नावल पढ़ने वाले हम इन्हें कुछ सीखने के लिए देखते और पढ़ते हैं। तोहमत ये तो पूरी दुनिया कह रही है, हराम महफिल बस एक रात की तो बात है यार, बेपर्दगी की बात है जहाँ तक, यार पर्दा तो आंख का होता है, नमाज छोड़ने पर फला नमाजी हजार गुनाह भी करता है, वो तो दाढ़ी रखकर झूठ भी बोलता है और नमाज भी पढ़ता है, शराब नोशी का अल्लाह गफूर रहीम है वो माफ कर देगा। इन्हें पता नहीं कि अल्लाह उनके लिए गफूर रहीम है जो गुनाह छोड़ना चाहते हैं और जो गुनाह छोड़ने की कोशिश करते हैं, बाकियों के लिए बेवकूफ़ी है ये बात, अल्लाह गफूर रहीम है, बाकी इससे उम्मीद न रखे अल्लाह ताला उन्हें बख्श देंगे। शादियों में बेहयाई करके कहते हैं यार ये फातिहा या जनाजा थोड़ी है, थोड़ा बहुत ढोल ढमका तो होता है, फजूल खर्ची करके कहेंगे लोग क्या कहेंगे अगर ऐसा ना किया, अयाशी यार दो दिन की तो ज़िंदगी है यार मज़े से जी लो, नमाज बा जमात ना पढ़ना यार टाइम ही नहीं मिलता, मैं कोशिश करता हूँ लेकिन नहीं कर पाता। अल्लाह ताला हमें दीन की सही समझ और अमल नसीब फरमाए और इन बहानों को समझने की तौफीक अता फरमाए जो हमारे नफ्स की तरफ से हमें दिए जाते हैं, आमीन या रब्बुल आलमीन।